दिनों चल रहा है शादी सीजन, जैसे कि रियल लाइफ में भी चल रहा है शादी सीजन। जहां देखेंगे उस घर में शादी हो रही होती है, तो चलिए ना शादी वाले घर में होकर आते हैं। ये इश्क की जीत है या इश्क की हार, क्योंकि आज हीर की शादी उसके रांझा के सामने किसी और से हो गई। और आशिक का आलम यह है कि दिल में कई दर्द है, कि रांझा है कि हीरे की कलीरे की रस्म देख रहा है। उफ, ये इश्क ऐसी चीज है कि हार कर इंसान जीत जाता है। आज रांझा के सामने उसकी हीर किसी और की हो गई, लेकिन कुदरत का लिखा देखिए कि आज उसने एक इशारा दे दिया है हीर को, वो भी चूड़े के सहारे, कि अगली शादी किसी और की नहीं बल्कि रांझा की होगी। ऊपर से इशारा है भगवान का कि अभी कहाँ पर होना चाहिए था रिश्ता और कहाँ पर हो रहा है, जबकि हीर जी खुद नहीं चाहती थी ये वाली चीज़ करना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो मुझसे शादी करना चाहती थी, बट एट द एंड ऑफ द डे मेरे अंदर जो प्यार है, जो फीलिंग्स है, उसके कारण मे बी उसने अट्रैक्ट किया उस कलीरे को। या ये भी हो सकता है कि भाई वो कलीरा मेरे पे गिरा तो मेरी अब आगे किसी और से शादी होगी, क्योंकि कलीरा जिस पे भी पहले गिरता है तो उसकी अगली शादी होती है। शादी के बाद कलीरे की रस्म होती है, और ये कलीरा जिस किसी भी कुंवारी लड़की पर गिरता है समझो अगला नंबर उनका। लेकिन यहाँ चूड़ा भी शरारत कर बैठा, वो कुंवारी लड़कियों पर नहीं बल्कि चूड़े का एक हिस्सा रांझा पर जा गिरता है। वो बात अलग है कि इसमें सेटिंग डिपार्टमेंट की भी मदद ली गई, और जब हीर ये देखती है तब उसकी नजरें अपने रांझा से नहीं हटती। शायद ये ऊपर वाले का इशारा है कि आगे जाकर हीर और रांझा मिले, लेकिन हीर और रांझा का मिलन इतनी जल्दी कहाँ हो सकता है भला। और टीवी की शादी में रोमांस के साथ साथ ड्रामा ना हो, ये हो ही नहीं सकता। अब देखिए यहाँ साजिशें रचने वाले अपनी कामयाबी से काफी खुश हैं, क्योंकि हीर के पिता की जमीन को वो अपने नाम कर चुके हैं। हाँ, ये आरके ने ये चाल चली है, बिकॉज आरके ने हीर जी के साथ ये वादा किया था कि जैसी वो शादी करेगी, शादी के लिए हाँ करेगी कुलदीप के साथ और शादी करेगी, तो वो हवेली मैं इनके नाम कर दूंगी। अब उन्होंने एक और चाल चली कि उन्होंने बहन जी को बोला कि भाई मुझे दहेज चाहिए, तो आपकी लड़की अगर हमारे पास सुखी रहेगी तो वो इसलिए रहेगी कि अगर आप मुझे दहेज दोगे, और दहेज में उन्होंने ज़मीन मांग ली। अब एक तरह से हार तो हीर की हुई है, क्योंकि एक चीज़ पाने के लिए दूसरी चीज़ हाथ से निकल गई, और ऊपर से उसको शादी के लिए हाँ भी करनी पड़ी। हीर पर मुसीबत आएगी और उसका रांझा चुपचाप रहेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। इश्क का दरिया आग की तरह होता है, जिसे पार करने के लिए बहुत दर्द सहना पड़ता है, और रांझा अपनी हीर के लिए हर मुसीबत सहने के लिए तैयार है। मुंबई से विशाल कुमार शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ABP News, आपको रखे आगे।